तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आपसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो है हमारा एक दोस्त है बिमल लिंबू, तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं हम। और है तो छोटा ही क्रिएटर, लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो बनाता है और मैं बहुत पहले से उसका वीडियो देखता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मुझे आज मिलने का मौका मिला है, मैं आसाम आया हुआ था। तो मेरे साथ जो है इधर एक मेरा भाई है और एक दूसरा भाई जो उधर गया हुआ है गाड़ी लेके। तो हम तीन जने जा रहे हैं आज बिमल लिंबू से मिलने के लिए। तो हम आज मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो फिर मिलते हैं आगे उनकी घर पे। तो जाते हुए रास्ते का नज़ारा भी दिखाएंगे आप लोगों को, तो बने रहे ब्लॉग में और बहुत ही मज़ा आने वाला है उनसे मिल के, तो कुछ बातें करेंगे। तो ये जो है हमारा रास्ता है जो जरीब बाज़ार जाता है और इस तरफ जो है बामुंजली के लिए जाता है। अच्छा, हमको सिखा रही है। तो हम जो है यहाँ रेडी है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं काली खोला पे। तो ये देख सकते हैं काली खोला का नजारा, ये पानी में कुत्ता हुआ। ए, हम समुन्दर पार कर दिए है। तो ये जा रहे हम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। ये हमारा पायलट जो है रास्ता भूल के गलत जा रहा है क्या? तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं बिमल भाई के घर की ओर। ये इनकी रास्ता है जो नदी पार करके आते हैं तो इस तरफ से। तो ये है हमारा बिमल भाई जो है रास्ते में मिल गए। तो हेलो बिमल भाई, कैसे हैं आप? एकदम अच्छा, ठीक ठाक। और मेरा खबर पाती सब ठीक ठाक। बस हमारा घर में ना कटनील बहुत ज्यादा है और मच्छर। एक दिन अगर मैं घर में ना आऊँ ना, घर में नहीं रहूंगा तो कटनील कितना मर जाएगा, मच्छर सब पतला हो जाएगा, चिंता रहता है। इसलिए मैं जहाँ से भी घूम के रात को घर में ही आता हूँ, क्योंकि हमारा घर में ना कटनील और मच्छर बहुत है ना, वो मर जाएगा तो हमको पाप लगेगा ना। आराम से सोता हूँ। बोलो जो ये बिमल भाई जो है एकदम फनी वीडियो बनाते हैं, जो इनके वीडियो देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और इनका जो भी कंटेंट है जो एकदम फनी टाइप का होता है, और होते होंगे दूसरे के लिए कि छोटा क्रिएटर, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही बड़ा क्रिएटर है। मैं इनके पीछे हूँ, ये मेरे से आगे हैं। मैं पिछले 5 साल से इनका ब्लॉग देख रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इनका जो है एकदम फनी टाइप का बनाते हैं, रोमांटिक होता है ना। तो इतना छोटा सा गांव में रहते हुए भी ये इतना अच्छा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। और देख सकते हैं इनका भाई का जो घर है ना, यहाँ पे खास करके इंटरनेट भी इतना वो चलता नहीं है। और मैं यहाँ काटमेल और मच्छर का बात क्यों कर रहा हूँ पता है? उड़ूस उड़ूस, क्योंकि ये भैया एक बार आपका तरफ घुरा दीजिए तो कैमरा, इतना मोटे भैया है देख सकते हो। और इधर 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 इतना मोटे भैया लोग मेरे से मिलने आते हैं दूर दूर से। और यहाँ ना मतलब हाथी भूत का डर नहीं है, बस कटनील और मच्छर बहुत ज्यादा है, पतला कर देगा, आप लोग को बीमार कर देगा। इसलिए मैं जानकारी पहले ही देता हूँ। मैं तो भैया जैसा भैया 2 दिन में बिमल के घर में गया था, क्या हो गया, पतला हो गया, ऐसा हो सकते हो ना? खेत ये हमारा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गाय गुरु ठोक सकते है, हो सकता है। बस देख लिया ना भैया कैसा लगा हमारा गांव? बहुत ही मस्त, बहुत ही मस्त। यहाँ पर ना पहले सरकार ने टॉयलेट नहीं दिया था तो हम लोग काम चलाते थे, समझ रहे हो ना? अभी गंदा आना बंद हो गया है, अभी तो सरकार ने टॉयलेट दे दिया है ना सबका घर में, धन्यवाद। गांव मतलब हमारे लिए ये स्वर्ग का परा है, ये हमारे लिए टाउन जैसा है ना। खेत यहाँ पर हम लोग कमाई करते है और ये जॉब भी है कभी, हो धान रोकते है। तो ये है बिमल भाई का घर। हमारा गांव में जो है इसी तरह का घर होता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है एक गांव एरिया है और यहाँ पे सीमेंट वगैरह ईंट वगैरह का जब तो ज्यादा फैसिलिटी नहीं होता है, और इसके अंदर जो है
यहाँ पर धान है। इसके अंदर जो है धान रखा हुआ है, देख सकते हैं। और बिमल भाई तो बहुत अमीर यार, पूरा भर के रखा हुआ है भाई। इधर तो बहुत सारे, मैं बहुत अमीर हूँ, महीना का नेट पैक रिचार्ज यूं भरा देता हूँ। और ना ये है ना इसके लिए। तो दोस्तों आज की ब्लॉग जो है यहाँ तक, फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक बने रहे और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा। और नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक लिए टाटा बाय बाय।